अंशकिंस, हाउ आर यू माय किडोस? सबके सब बढ़िया हैं, सबके सब चंगे हैं। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो विद योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर मिस ओशन मैम। सो गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपैक्ट विद द सन के सारे चैप्टर्स का क्विक रिविजन करने वाले हैं। तो क्विक रिविजन को शुरू करें। आइए फिर शुरू करते हैं। जितनी क्विकली ये बंदा आया ना, उतनी ही क्विकली हम रिविजन भी कर डालेंगे। बट आप सबको एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा। सो गाइस, बिफोर वी हेड इनटू द वीडियो, दिस इज योर मोटिवेशन ऑफ द डे। थिंक ऑफ ऑल द ब्यूटी लेफ्ट अराउंड यू एंड बी हैप्पी अबाउट इट। एग्जाम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज के लिए परेशान होना है। इतनी ब्यूटीफुल टीचर्स हैं तुम्हारी, उनको देखो और खुश रहो। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर वेरी ओन ओशन मैम, अ लर्नर हु लव्स टू टीच। और अगर आपको अपनी ओशन मैम से और भी कुछ बातचीत करनी है और भी कुछ पूछना है, सो गाइस दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, दिस इज माय जीमेल। आ जाओ भाई, बातें शातें करेंगे। ओके गाइस, सो क्विकली देख लेते हैं कि आज के हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। भाई ढेर सारे क्विजेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रीमियर वीडियो है तो क्या हो गया, क्विजेस की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, दीस क्वेश्चंस ऑब्वियसली लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, कम ऑन। एंड फाइनली होमवर्क क्वेश्चन एंड वी क्विज भी है भाई। ओके, सो व्हेनेवर यू वॉच दिस वीडियो, बी श्योर कि आप मस्त तरीके से अपना वी क्विज खेल सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, जल्दी से हम होमवर्क होम रनर के नाम ले लेते हैं। अरे इसमें से वर्क कहाँ चला गया। ऑलराइट, हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे होमवर्क होम रनर्स कुछ ये रहे। लर्न विद कनिष्का, चिन्मय, शान, एनीस एंड प्रियंका। कांग्रेचुलेशंस गाइस, वेल डन। आपको भी अगर अपना नाम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखना है, देन मेक श्योर यू लीव द होमवर्क डाउन बिलो। होमवर्क आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड अंटिल द वेरी एंड। ऑलराइट गाइस, अब एक थोड़ा सा फन सेगमेंट है आज के लिए। अब मुझे आपको ये सारे इमोजीज गेस कर ये बताना है कि ये कौन सी मूवी का नाम है। Which movie is this? Can you guess it? Are you also a movie buff? If you are, then let me know the correct name of this movie in the comment section. Okay guys, now अब बारी आ गई है short question answers की। Short question answers हमने यहाँ 2 marks के रखे हैं। अब exam में आपको इसे 2 to 3 minutes ही देने हैं। और यहाँ पर सिर्फ 2 minutes? मैगी तैयार नहीं होती है 2 minutes में, तो क्या हुआ? हमारे answers तो ready हो ही सकते हैं। So here's the first chapter, A Tale of Two Birds. Cute birdies. All right. तो इनके ऊपर बेस क्वेश्चन कुछ ये रहा। Why did the king go near the cave? जो ये राजा जी हैं, ये केव के पास गए क्यों थे? Can you tell me the answer? If you know the answer, let me know the correct answer in the comment section below. Guys, please make sure कि आप directly correct answer पे jump ना करें, because मैथ्स में जिस तरीके से प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी आंसर्स लिखने से आते हैं। तो प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट आंसर दो, एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3, 2, 1। लेट्स सी। हां जी, सो द किंग लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट एंड ही वाज एग्जॉस्टेड, थक गया था बड़ा। टू टेक सम रेस्ट ही गॉट डाउन फ्रॉम द हॉर्स एंड वेंट टू फाइंड अ रेस्टिंग प्लेस नियर द केव। तो केव के पास आराम करने आया था, है ना? Alright, moving ahead. The friendly mongoose, such a cute animal it is. मैंने भी आपको बता दूं, ये चैप्टर ना स्कूल टाइम में पढ़ा था, बट आई रेड इट इन क्लास 10 और उसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन आया था, एंड वाज अ लेंथी चैप्टर। आपके भी तो बहुत शॉर्ट स्टोरी दे रखी है, उसका एक डिफरेंट वर्जन दे रखा है। कभी टाइम मिला तो मैं आपको वो वाला वर्जन भी बताऊंगी। सो गाइस, हियर्स द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। ओह, इट्स सच क्यूट। Who did the farmer bring home and how was he? Farmer जो है किसको उठा के लाया था और वो कैसा था? उस animal को describe भी करना है। जल्दी से अपना answer comment section में डाल दीजिए, ठीक है? Quickly and then come back here and then we'll show the correct answer here in 3, 2, 1. Let's see. The farmer bought a tiny mongoose one evening as their son's companion. The mongoose was a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. He had grown up to its size
विदिन सम मंथ्स, ठीक है भाई। अपने सन के लिए तो एक साथ ही लेकर आया था, बट उस मोंगूस का कितना गंदा एंड हुआ ना। ऑल्दो ही ट्राइड टू सेव देयर सन, सो सैड। ऑलराइट, द शेफर्ड्स ट्रेजर, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखें फिर। चलो आ जा। सो हियर्स अ क्वेश्चन, व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड? बाकी सारे के सारे गवर्नर्स इस वाले शेफर्ड से जेलस क्यों हो गए थे? ऐसा क्यों? किसी से जेलस होना अच्छी बात होती है क्या? नहीं होती है ना, तो यहाँ भी नहीं थी। तो पर हुए क्यों थे जेलस? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3, 2, 1, लेट्स सी। द कॉमन शेफर्ड वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। ही वाज लव्ड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल। हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। सो द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू जेलस ऑफ हिम। वो बेटर कर रहा था इसलिए उसे जेलस हो गए। Which is very wrong ना, वो तो अच्छा था, आप लोग भी अच्छे बन जाते। But sad. Okay, so here's the other chapter, Tansen. कि बहुत लोगों ने Tansen का नाम सुना होगा, कह रहे he was a very famous musician, हाँ? Okay, so here's the question. How do we know that Akbar was fond of Tansen? Give two reasons. हम ये कैसे बोल सकते हैं कि अकबर जी जो थे वो Tansen से बेहद प्यार करते थे, उनके बहुत बड़े फैन थे। आपको इसके दो reasons provide करने हैं, ठीक है? तो जल्दी से मुझे आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। कम बैक हियर, ठीक है, रिज्यूम द वीडियो एंड वी विल सी द करेक्ट आंसर हियर इन 3, 2, 1, लेट्स सी। ओके, तानसेन बिकेम द फेवरेट ऑफ अकबर। ही वुड रिक्वेस्ट तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर वुड वॉक इनटू तानसेन'स हाउस टू हियर हिज प्रैक्टिस। ही गेव तानसेन मेनी प्रेजेंट्स। कॉपी भी उन्हें गाने के लिए बोलते थे, उनके घर तक चले जाते थे उनकी प्रैक्टिस सुनने के लिए, इतना पसंद करते थे वो उन्हें। ऑलराइट गाइस, हियर इज द नेक्स्ट चैप्टर, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। भाई ये बड़ी मस्त स्टोरी थी, ओपी स्टोरी है ना, हम सब ने ये स्टोरी अपने बचपन में सुनी है, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। तो इसके बेस पर क्वेश्चन देखिए, आइए फिर देखते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, व्हाई वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम? क्रोकोडाइल अपने फ्रेंड को घर क्यों नहीं बुलाना चाहता था? What was the reason behind it? आपको इसी का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे देना है। Then come back here. See the correct answer here. In 3, 2, 1. Let's see. The crocodile's wife wanted to eat the heart of the monkey. The crocodile refused to oblige her. उसने उसकी बात नहीं मानी, बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। He could not betray, cheat his fast friend. He shouted at her angrily. ठीक है, उसे गुस्सा हो गया कि नहीं, वो मेरा इतना प्यारा दोस्त है, इतना बढ़िया दोस्त है, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। पर क्या क्रोकोडाइल की वाइफ मानी थी? नहीं मानी थी, है ना, दोस्ती भी टूट गई इस वजह से। ऑलराइट गाइस, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सब लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल रहे हो और आप सबके आंसर्स करेक्ट भी आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो प्लीज अपनी मिस्टेक्स यहां से देख लेना एंड डू नॉट रिपीट देम इन योर एग्जाम्स। सो हियर द नेक्स्ट चैप्टर, द वंडर कॉल्ड स्लीप। इतने प्यार से जेलिस हो रहा है ना, ओहो हो हो हो, तो मुझे भी नींद आ रही है, काश मैं भी ऐसे ही नैप ले सकती। कांट, आई हैव टू टीच यू गाइस, सो लेट्स स्टडी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप? जब हम गहरी गहरी नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी के साथ क्या होता है भाई, क्या होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। देन कम बैक हियर एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर इन 3, 2, 1। It goes to an unconscious state of rest, ठीक है, मस्त बेहोश हो जाते हैं। Body recovers itself from all the fatigue, यानी थकान, because of all the phenomena like temperature, respiration, blood pressure, brain gets sore during sleep, etc. बहुत सारे changes हमारी body में आते हैं, हमारा brain slow हो जाता है, heart beat बड़ी slow हो जाती है, हमारी पूरी body एक ना resting stage पे चली जाती है, और जब हम उठते हैं ना फिर हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। Okay guys, so here's the next question. With the sun. ये भी बड़ा प्यारा सा चैप्टर था, है ना? So, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। What did Saida tell the sun rays to do? Saida ने sun rays को क्या बोला? कि आप क्या करना next day? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मिल जाना चाहिए। सबके आंसर होने चाहिए कमेंट सेक्शन में। So that I can show you the correct answer here. In 3, 2, 1, let's go. Saida made a special request to the sun rays to help her mother get well. She asked them to come the next day with lots of warmth and brightness.
तुमसे रिक्वेस्ट करी प्लीज प्लीज नेक्स्ट टाइम प्लीज मेरी मम्मा को ठीक करने के लिए अच्छे से आ जाना और बहुत सारी गर्मी बहुत सारी रोशनी लेकर आना है ना. और राइट नाउ इट्स क्विज टाइम गाइस. आर यू रेडी फॉर द क्विज? इफ यू आर गिव मी अ क्विक फायर इमोजी इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी जल्दी सारे के सारे फायर इमोजीज दीजिए. क्विकली क्विकली क्विकली. ओके आई एम होपिंग अभी तो पूरा ना कॉमेंट सेक्शन फायर इमोजी से भर गया होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज. Who told the story of two birds to the king? ठीक है, किसने two birds की story king को बताई थी? A the bird, B a common man, C the decoys, या D the rishi? जल्दी जल्दी. A, B, C और D. And I'll show you the correct answer here in 3, 2, 1. रिशि ने बताई थी भाई. रिशि ने उसे बताया कि भाई ये दोनों की दोनों चिड़ियाएं क्या हैं, आपस में बहनें हैं, siblings हैं. ठीक है, एक चिड़िया डाकुओं के पास रहती है तो वैसी बन गई, ये चिड़िया मेरे पास रहती है तो मेरी जैसी बन गई. संगति का असर. Whose face and paws were smeared, यानी पूरा का पूरा उसमें पुता हुआ था ब्लड. इन द लेसन द फ्रेंडली मोंगूस. तो बड़ा इजी क्वेश्चन है. इस चैप्टर में फ्रेंडली मोंगूस में किसके चेहरे पर ब्लड लगा हुआ था? मोंगूस, स्नेक, नेबर या माउथीज? ए बी सी और डी. Declined to kill the monkey as they were close friends.
निसंकी जाति को अपने दोस्तों को कौन मारता है भाई? The wife threatened the crocodile that if the crocodile didn't get the monkey's heart for her, she would surely die. उसने बोला मैं तो मर जाएगी भाई, मेरे को दिल मांगता है ना। और moving ahead, the farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. "You wicked animal! You have killed my baby!" she screamed hysterically. Paglon ki tarah. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. Yeah. Damn, such a painful scene. What did the farmer's wife bring from the market? Market se farmer ki wife kya lekar aayi thi? B. What did the mongoose do when he saw the woman came back from the market? Jaise usne dekha meri malkin to aa gayi, usne kya kara? Why did the woman scream hysterically? Paglo ki tarah kyun chillai? All the three answers in the comment section and we'll show the correct answer here in 3, in 2, in 1. Let's see. Number 8. The farmer's wife brought a basket full of groceries. Bhar ke ghar ka saman lai thi. The mongoose greeted and welcomed her at the door as he always used to do when the woman came back from the market. ठीक है? जब भी वो market आती थी, वो मस्त तरीके से greet करना चाहता था. भाई उसने उस दिन भी करा. The farmer's wife screamed hysterically because she noticed blood on the mongoose mouth and paws and concluded that the mongoose had harmed the baby. उसे लगा मेरे छोटू से baby को उसने बिल्कुल मार दिया है. But ऐसा नहीं था ना, उसने तो उसे बचाया था. Poor mongoose. Alright guys, it's game quiz time. So let's get into it. Here's the first question. What was the name of Tansen's wife? Tansen ji ke biwi ka naam kya tha? Sahira, Zubeda, Husaini. You know of these? A, B, C, or D. Quickly, sare ke sare answer mujhe comment section mein do to. Hum yahan correct answer dikha sake bhai. Into. Inba. Let's go. Husaini. Please do remember, theek hai? Sare characters ke naam na aapko acche se yaad rakhne. Alright. What did the crocodile's wife ask him to bring? अरे कितना easy question है. Crocodile की wife ने उसे क्या लाने के लिए बोला? To bring fruits for her, to bring flesh for her, to bring monkey's heart or to bring flowers for her. A, B, C or D. Quickly सारे के सारे answer देंगे मुझे comment section में, so that I can show the correct answer here in 3, in 2, in 1. Let's go. To bring monkey's heart. भाई monkey का उसे क्या चाहिए था? दिल चाहिए था. Alright guys, it's long answer question time. I hope you all are ready. ठीक है? सारे के सारे तैयार हो जाओ. पूरा वही पैटर्न चलेगा. क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, जल्दी से सारा आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने हैं और फिर वापस आके अपना आंसर चेक करना है. सो द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी फॉर 4 मार्क्स, एग्जाम में 4 टू 5 मिनट्स, यहां नॉट मोर देन 4 मिनट्स. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Do you think honesty and wisdom are great virtues and rewarded at the end in the lesson the shepherd's treasure? Give reason to support your answer. क्या आपको लगता है कि honesty और wisdom यानी कि आपका knowledge, they are great virtues यानी great qualities? और क्या the shepherd's treasure वाले chapter में end में shepherd की इन qualities को उसका बकायदा reward मिलता है? अगर yes, तो आपको अपने answer को support करने के लिए chapter में से ही reasons देने हैं. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? नाउ गिव मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कम बैक हियर एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर हियर इन 3, इन 2, इन 1. लेट्स गो. यस, ऑनेस्टी एंड विजडम आर ग्रेट वर्च्यूज एंड रिवॉर्डेड सूनर और लेटर. द शेफर्ड वाज एन ऑनेस्ट एंड वाइज मैन. ही शेयर्ड हिज फूड विद एन अननोन ट्रैवलर एंड अलाउड हिम टू स्लीप इन द केव. ही वाज मेड द गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. He rose to power but remained as humble as ever. He was kind and treated everyone equally. The other governors made conspiracy, yani plan, against him to defame him, badnaam karne ke liye use. They said he was dishonest and corrupt. But he remained humble to everyone and told them the truth. The king was pleased with the shepherd's wisdom and made him the governor of a much bigger district. So he was rewarded for his virtues. उसने अपनी हम्बलनेस, अपनी क्वालिटीज कभी नहीं छोड़ी. हमेशा काइंड रहा, सबके साथ अच्छा रहा,
ठीक है, और एंड में उसको उसका इनाम भी मिला, ठीक है, उसको बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया, और जो बाकी गवर्नर्स थे उनको शर्मिंदा होना पड़ा, करेक्ट। लेट्स मूव अहेड, ब्रीफली डिस्कस टू गुड क्वालिटीज ऑफ सेकंड बर्ड एंड गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। आपको सेकंड बर्ड की दो अच्छी अच्छी क्वालिटीज बतानी है और उन क्वालिटीज को सपोर्ट करने के लिए आपको इंस्टेंसेस देने कि ये क्वालिटी तो है, पर आपको चैप्टर में कहां से पता चलता है कि बर्ड में ये क्वालिटी है, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो, फिर वापस आओ एंड विल सी द करेक्ट आंसर हियर इन 3, 2, 1। व्हेन द किंग रीच्ड द ऋषि's आश्रम, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस। इट वाज द वॉइस ऑफ सेकंड बर्ड। द सेकंड बर्ड हैड सो मेनी क्वालिटीज व्हिच आर एज फॉलोज। द सेकंड बर्ड वेलकम द स्ट्रेंजर इन अ जेंटल वॉइस टू द आश्रम एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गो इनसाइड एंड रेस्ट। Then he said that Rishi would be back soon and asked him to drink some cold water and make himself comfortable. The second bird was kind, hospitable and soft-spoken. So, देखो हमने दो incidents दे दिए, ठीक है, प्यास उसने उसे बुलाया, ठीक है, मस्त उसे बोला पानी वानी पियो, टेस्ट वेस्ट करो, तो kind थी, hospitable यानी आदर सत्कार करती थी, ठीक है, और मस्त soft-spoken थी, ठीक है, बड़े gentle तरीके से उसने उसे बुलाया था, correct? So, these are the qualities. Alright, moving ahead. What do you know about Tansen as his and his family? What quality was he gifted with? So, Tansen ki family ke background ke baare mein aap kya kya jante hain? Theek hai? Aur unke paas kya gift tha? Aapko ye answer dena hai mujhe jaldi se comment section mein. Theek hai? And then come back here and I'll show you the correct answer. In 3, in 2, in 1. Let's go! Tansen is remembered as the greatest musician of India. Bhai, music ka gift tha unke paas. His father was also a singer. The family lived in Gwalior. He learned to copy the calls of birds and animals. Swami Haridas noticed his talent and taught him music for 11 years. He became a great favorite of Emperor Akbar. Unke nau ratno mein aata tha. Some of the jealous courtiers made a vain, yani bekar attempt to ruin Tansen. Unki reputation ko kharab karne ke liye, that was very common. And as usual, they were not successful as well. So guys, that's it. Again, it's quiz time. So, let's see. Kya hai? Here's the question. What is the formula of good health? Good health ka kya formula hai? Early to rise ya early to bed? Ya early to rise and early to bed? Theek hai, dono cheeze karni hai ya fir must eat, drink and be merry? Khao, piyo, mast raho. A, B, C or D? Jaldi se mujhe comment section mein apna correct answer bataiye. And I'll show you the correct answer here. In 3, in 2, in 1. Let's go. Definitely early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So that's the formula of good health. Moving ahead. Why has sleep been called a wonder? Sleep ko hume chamatkar kyun bolte hai bhai? We recover from tiredness, we become free from doing work, we become unconscious, or we can see dreams. In charon mein se, kaun sa aisa reason hai jiski wajah se hum sleep ko wonder bolte hain? A, B, C or D? Quickly, aapko mujhe apne answers comment section mein de dene hain. Come back here and we'll see the correct answer here. In 3, in 2, in 1. Let's go. Definitely, bhai. So, na marzi tha kyun? Ek mast neend mil jaye na raat ki. Subah uthkar bada fresh sa mehsoos hota hai. Jaise phone ki battery charge hoti hai, fir hamari body bhi bilkul charge hoti hai aur hum mast tarike se apne sare kaam kar sakte hain. All right, guys. That's it. ठीक है, मैंने आपके सारे चैप्टर्स का रिवीजन थरली करा दिया है. नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस. आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला ये रहा आपका क्वेश्चन. व्हाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट? मेंशन टू रीजंस. ड्रीम्स इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको अपने चैप्टर में से ही उसके लिए दो रीजंस ढूंढ के जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डाल देना है. अगली बार होमवर्क होम रनर्स में अपना नाम देखना चाहते हो ना, देन मेक श्योर दैट यू डू द होमवर्क. ठीक है, तो शॉर्ट आंसर की तरह ही देखना है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर मत लिखना. And guys, as I promised you, WeQuiz link is present in the description box. All you gotta do is just go into the description box, click on the first link present in the video. Simply, aapko description box ke liye show more pe click karna hai. Pehla link jo present hoga, us pe click karna hai. And aap mast WeQuiz khel sakte ho. Ya fir aap ek naya tab kholo, uske andar likho www. Kaise W likha hai? Koi na, samajh lena. www.vquiz.in. ठीक है, तो नए टैब में जाकर ये लिंक डालना है और वहां पर आपको बस एक कोड डाल देना है 228151.
That's it. आपका वीक क्विज मस्त चलने लगेगा एंड यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स कॉम्पीट ओवर देयर एंड देखो किसके ज्यादा मार्क्स आते हैं. एंड प्लीज मेक श्योर आज के क्विज में जो हमने अभी एनसीक्यूज वीडियो में करे हैं उसमें से आपके कितने आंसर सही हुए हैं प्लीज इसके आंसर्स इसका मुझे स्कोर बोर्ड चाहिए. ठीक है कि मैम मेरे 6 on 6 से आई है 5 on 6 आई जितने भी आए. ऑलराइट गाइस सो दैट्स इट. नाउ आई हैव डन माय पार्ट आपकी बारी है. इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक मेक श्योर यू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियो गाइस. नाउ दैट्स इट. थैंक यू फॉर बीइंग सच लवली लवली गेट्स सच लवली ऑडियंस. आई रियली होप आपको ये वीडियो हेल्प करी हो एंड आई मेक श्योर दैट आई कीप ऑन ब्रिंगिंग सच हेल्पफुल वीडियोस फॉर यू. सो गाइस फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. चाचा.